नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम फिर से लेकर के आ चुके हैं आपका अपना फेवरेट कार। जी हाँ, गाड़ी का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, टाटा के नैनो एक बार फिर से लेकर के आए हैं और काफ़ी शानदार कंडीशन में, क्योंकि ये जो गाड़ी है टॉप एंड मॉडल गाड़ी है और काफ़ी अपर मॉडल गाड़ी है। और इसलिए क्योंकि कमेंट्स आप लोग का यही आ रहा था कि भाई अपर मॉडल गाड़ी लेकर के आओ, तो लेकर के आ चुका हूँ एक बार फिर से अपर मॉडल की गाड़ी। अब गाड़ी का कंडीशन देखिए, A1 कंडीशन है और कहीं से गाड़ी आपको एक्सीडेंटल देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको गाड़ी के ऊपर एक भी स्क्रैच देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें इस गाड़ी के हेडलाइट्स की, तो गाड़ी का हेडलाइट जो आपको नॉर्मल हैलोजन वाला देखने को मिलता है और आपको अंदर में ब्लैक कलर की थोड़ी बहुत रैपिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे गाड़ी का जो हेडलाइट्स है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और बात करें साइड इंडिकेटर की, तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर जो साइड इंडिकेटर होता है वो भी आपको लगा हुआ देखने को मिल जाता है। और पार्किंग लाइट की बात करें तो पार्किंग लाइट भी आपको हेडलाइट्स के अंदर मिल जाती है। और फॉग लैंप की बात करें तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर जो फॉग लैंप होता है वो भी आपको लगा हुआ मिल जाता है। MH नंबर गाड़ी है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, गाड़ी का जो NOC वो आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो लोग महाराष्ट्र से हैं उनको तो लेने में कोई भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस गाड़ी का NOC अवेलेबल है, आप कोई भी स्टेट से बहुत आराम से गाड़ी को ले सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि NOC क्या होता है, क्या मतलब है उसका, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा भाई, NOC का मतलब होता है कि अगर आप कोई दूसरे स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में ला रहे हैं तो वहाँ पे आपको NOC की जरूरत पड़ती है। सो NOC इस गाड़ी के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सिंगल वाइपर के साथ ही गाड़ी आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है, टाटा की बैजिंग मिल जाएगी, फॉग लैंप भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है और स्क्रैच चेक भी है ही नहीं। छत के ऊपर आपको एक सिंगल एंटीना इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। साइड लुक की बात करें तो साइड लुक भी काफ़ी कमाल का इस गाड़ी का मिल जाता है। ORVM की बात करें तो ORVM नॉर्मल आपको बेसिक सा मिलता है, कोई भी आपको ऑटो फोल्डेबल या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल का इस गाड़ी के अंदर फीचर्स नहीं मिलता है। तो आप दोनों साइड से ORVM इसका देख सकते हैं, दोनों साइड से ORVM जो आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और साइड इंडिकेटर भी आपको इस गाड़ी का एक फेंडर के ऊपर मिल जाता है। वहीं टायर की बात करें तो जैसा कि सेकंड हैंड गाड़ी है, फिर भी इस गाड़ी का आपको टायर कंडीशन 80-90% के आसपास देखने को मिल जाता है। जी हाँ, 80-90% टायर की जो लाइफ है वो अभी आपको बची हुई देखने को मिल जाती है इस गाड़ी की। साथ ही साथ बात करें व्हील साइज़ की, तो 12 इंचेस का इसमें आपको व्हील साइज़ मिल जाता है और नॉर्मल आपको स्टील व्हील इसमें मिल जाएगा। और बात करें दोस्तों टायर साइज़ की, तो 12 इंचेस का आपको मिलता है और इसमें प्लास्टिक के व्हील कैप्स जो होते हैं कंपनी तब से मिल जाएंगे, जिसमें आपको टाटा की जो बैजिंग होती है वो आपको मिल जाती है। और पीछे से बात करें तो पीछे से आप देख सकते हैं, पीछे से भी काफ़ी कमाल का इस गाड़ी का लुक मिल जाता है। बात करें बूट ओपन करने की, तो जी हाँ, बूट ओपन करने का जो फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल मिलने वाला है। और नैनो XTM का आपको बैजिंग मिल जाएगा, साथ में ट्विस्ट की भी बैजिंग मिल जाएगी। और रही बात इंजन की, तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपको पीछे में ही मिलता है और आपको इसमें स्टॉप लाइट भी दिया गया है, वो अलग बात है कि रिफ्लेक्टर इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। और ना ही इस गाड़ी के अंदर बंपर गार्ड लगा है, ना आपको पीछे में आपको जो रियर वाइपर होता है वो मिलने वाला है, ना आपको अगर इसमें मिलने वाला है। टेल लाइट्स की बात करें तो गाड़ी के जो टेल लाइट्स आपको नॉर्मल मिलते हैं, कोई भी आपको इसमें LED टेल लाइट नहीं दी गई है, नॉर्मल जो बल्ब वाली आती हैं वही आपको इस गाड़ी के अंदर टेल लाइट्स दिया गया। ओवरऑल लुक की बात करें तो लुक में नो डाउट दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इस गाड़ी का आपको लुक मिल जाता है। लुक ऐसा है कि एक नज़र में जो गाड़ी आपको बहुत आराम से पसंद आ जाने वाली है, वो चाहे पीछे से बात करें या फिर आगे से बात करें या फिर दाएँ या फिर बाएँ, कहीं से भी बात करें भाई, एक नंबर गाड़ी मिलती है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी आप देख सकते हो, और मेरा अगर बात करें तो मुझे तो पर्सनली ये गाड़ी दोस्तों इंटीरियर से पसंद आती है, क्योंकि इसका इंटीरियर जो ना काफ़ी जवाब है। डुअल टोन कलर के साथ सबसे पहले तो इसका इंटीरियर मिल जाएगा, क्रीम कलर और ब्लैक कलर में आपको फिनिशिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको दो बड़े बड़े ग्लव बॉक्स गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस, और फ्रंट में आपको दो स्पीकर्स भी बड़े बड़े मिल जाते हैं। वहीं बात करें पीछे से, तो पीछे में भी आपको बूट के ऊपर दो स्पीकर्स मिल जाएंगे। कुल मिलाकर बताऊँ तो गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स दी गई हैं, काफ़ी कमाल के 4 स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे वर्किंग कंडीशन के साथ। और आपको डोर के ऊपर एक भी स्पीकर नहीं मिलेगा, ना ही आपको बॉटल होल्डर मिलने वाला है। और बात करें AC की, तो गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में 4 AC वेंट देखने को मिल जाएंगे। वहीं पीछे से बात करें तो पीछे में आपको एक भी ऐसे वेंट देखने को नहीं मिलेगा, और AC जो आपको भी थिएटर के साथ मिल जाता है। साथ ही साथ AC कंट्रोल्स की बात करें तो AC कंट्रोल्स आपको नॉर्मल बेसिक साइज गाड़ी के अंदर मिलता है, कोई भी आपको इसमें ऑटोमेटिक AC प्रोवाइड नहीं कराया गया। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कंपनी फिटेड ही मिलने वाला है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो फीचर्स होता है वो आपको मिल जाएगा। और स्टेरिंग की बात करें तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर आपको स्टेरिंग मिल जाएगा, जो कि आपको पावर स्टेरिंग देखने को मिल जाता है। वो अलग बात है कि स्टेरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स होती है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी, मीडिया कंट्रोल्स ये सब। और गियर की बात करें तो गियर काफ़ी शानदार आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक गियर इस गाड़ी के अंदर दोस्तों है, और ऑटोमेटिक गियर होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ईजी टू ड्राइव भी गाड़ी बन जाती है। और इसमें आपको 12 वोल्टेज का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। फ्रंट के जो दोनों विंडोज हैं आपको पावर बटन के साथ मिल जाता है। वहीं पीछे से बात करें तो पीछे में नॉर्मल बेसिक्स आपको मिलता है, और गियर आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाएगी, साथ में नीचे में क्रोम फिनिशिंग, और गियर के अंदर स्पोर्ट्स मोड का भी आपको फीचर्स मिल जाएगा, तो स्पोर्ट्स में भी आप चाहें तो इस गाड़ी को आराम से दौड़ा सकते हैं। और सीट कंफर्ट के बारे में तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A1 आपको सीट कंफर्ट दोस्तों इस गाड़ी का मिल जाता है। आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप जन्नत में बैठे हुए। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं मॉडल के बारे में, कौन से मॉडल की गाड़ी है। तो टाटा नैनो 2015 मॉडल आप देख रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ बात करें पेट्रोल या डीजल है, तो डीजल में तो आती ही नहीं है, ऑफकोर्स पेट्रोल ही होगी, और CNG में आती है, लेकिन CNG में
बता नहीं रहा हूँ आपको। तो ये आपको पेट्रोल वेरिएंट में मिल जाएगा और इसका एवरेज मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों सीटी एवरेज इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है 19-20 की, क्योंकि ऑटोमेटिक है। और रही बात अगर आप हाईवे पर चलाते हैं तो हाईवे पर आपको 25-26 इसका एवरेज मिल जाता है। और अगर आप इस गाड़ी के अंदर CNG इंस्टॉल करवाना चाहते हैं आफ्टर मार्केट, तो जी हाँ वो भी हो जाएगा बिना कोई परेशानी के। CNG दोस्तों गाड़ी में दो तरीके से लगता है, एक तो आपका सेकेंड हैंड CNG हो गया, दूसरा आपका ब्रांड न्यू CNG। तो डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा लगवा रहे हैं, सेकेंड हैंड या फिर ब्रांड न्यू। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी के अंदर CNG लगवाते हैं तो 15-20 हज़ार के अंदर में आपकी गाड़ी में CNG लग जाएगा। वहीं अगर आप ब्रांड न्यू लगवाते हो तो ब्रांड न्यू दोस्तों आपका 30-40 हज़ार का खर्चा आ जाना है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा CNG आप लगवाना चाहते हैं। रही बात इस गाड़ी के किलोमीटर की, अभी तक में जो गाड़ी है कितनी किलोमीटर चल चुकी है, तो दोस्तों ये जो गाड़ी है अभी तक में चली हुई है सिर्फ और सिर्फ 45,000 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड हैंड गाड़ी के लगभग 45,000 किलोमीटर आपको चलवा मिल रहा, तो समझिए कि आपका किस्मत ही अच्छा है, क्योंकि आपको इतना कम चलवा मिल रहा है। और इतना कम चलवा गाड़ी का दोस्तों 100% गारंटी रहता है कि इंजन में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऑनर का मन भर गया होगा तभी इस गाड़ी को सेल कर रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंजन कैपेसिटी की। तो 624 cc का इंजन आपको इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है। और नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें तो 2 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाएगा इसमें। वही बात करें मैक्सिमम पावर की, तो दोस्तों मैक्सिमम पावर ये गाड़ी जनरेट करती है 37.48 bhp का, जो कि आपको 5500 rpm पे देखने को मिल जाता है। और टॉर्क की बात करें तो 51 Nm का आपको उसमें टॉर्क देखने को मिल जाएगा 4000 rpm पे। और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 4 लोग को बहुत आराम से बैठा सकते हैं। और ऐसे अगर आप पूरा कंफर्टेबल बैठना चाहते हैं तो ही 4 लोग, अगर आप थोड़ा दिक्कत सह सकते हैं तो 5 लोग भी आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको 24 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और बॉडी टाइप की बात करें तो हैचबैक में गाड़ी आती है, हैचबैक जितनी भी छोटी गाड़ी होती हैं जिनके बूट पीछे से नहीं निकली होती है उनको बोलते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो। और ऑनरशिप की बात करें तो दोस्तों गाड़ी है सेकंड ऑनर, यानी कि आप जब इस गाड़ी को लेंगे तो आप बन जाएंगे इस गाड़ी के थर्ड ऑनर। साथ ही साथ बात करें लोकेशन की, तो MH नंबर गाड़ी है, पुणे की ये गाड़ी है। गाड़ी लेने के लिए फिलहाल आपको पुणे ही जाना पड़ेगा, होम डिलीवरी दोस्तों अवेलेबल नहीं है। गाड़ी लेने के लिए आपको पुणे जाना पड़ेगा, लेने या फिर देखना भी अगर आप चाहते हैं तो आपको पुणे में ही जा करके देखना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बात करें प्राइसिंग के बारे में तो टाटा नैनो 2015 मॉडल ऑनर का आस्किंग प्राइस है 1,70,000 रुपये, लेकिन प्राइस जो है नॉगेशियबल है, तो प्राइस बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, प्राइस और कम कर दी जाएगी, डोंट वरी। रही बात दोस्तों कितनी प्राइस कम हो सकती है, नॉगेशियबल है फिर भी, तो दोस्तों इस गाड़ी का आपको पड़ जाएगा 1,20,000 1,25,000 के आसपास। चलिए बात कर लेते हैं ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर का, कहाँ मिलेगा ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आप ऑनर से कॉन्टैक्ट करके गाड़ी को अगर आप बाई करना चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं। तो ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्प्ले पे दे दिया हूँ, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है, ऑनर से बात करना है। जो भी आपको गाड़ी के बारे में पूछना हो या फिर पेपर से रिलेटेड पूछना हो आप बात करके पूछ सकते हैं, और गाड़ी लेना हो तो बिल्कुल आप गाड़ी को ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी लोगों को इस गाड़ी के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। हम मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, नई कार के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।